नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के दोस्तों 210 प्रश्न है, वो अपने 7 भाग के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 8वां भाग है, जिसमें 210 से 240 प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, 210 से लेकर 240 तक, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये दोस्तों नंबर इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, लिखने में गलती हो गई है, तो आप 211 से इसको समझ लेना, ठीक है। 211 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एडुसेट के प्रसारण हेतु राज्य में हब की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों, कहाँ पर की गई हब की स्थापना एडुसेट के प्रसारण हेतु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या, जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर की गई, जयपुर में, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 212 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 212 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राजीव गांधी समर्पित एडुसेट राज्य के विद्यालयों में ROT की स्थापना की गई, इन विद्यालयों की संख्या कितनी है। दोबारा देखो, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राजीव गांधी समर्पित एडुसेट राज्य के विद्यालयों में ROT की स्थापना की गई, इन विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इन विद्यालयों की संख्या कितनी है ये अपने को इसमें बताना है। ऑप्शन है 50, 65, 70, 75, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न, इसमें देखो डाइस प्रपत्र में अधिकतम किस कक्षा तक की सूचना भरी जाती है। डाइस प्रपत्र में अधिकतम किस कक्षा तक की सूचना भरी जाती है, कक्षा 8, कक्षा 5, कक्षा 10, कक्षा 12। तो दोस्तों, अधिकतम किस कक्षा तक की सूचना भरी जाती है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मन में सोच लो, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है कक्षा 8 तक, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखो डाइस में संबंधित विद्यालय के कोड में कितने डिजिट होते हैं। डाइस से संबंधित विद्यालय के कोड में कितने डिजिट होते हैं। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कितने डिजिट होते हैं, तो 7 डिजिट होते हैं इसमें, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य का वह एकमात्र जिला जिसमें 7 पूर्ण प्राथमिक राजकीय विद्यालय है, वह है राज्य का एकमात्र जिला जिसमें 7 पूर्ण प्राथमिक राजकीय विद्यालय है, वह है, वह जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जोधपुर, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अजमेर में, ठीक है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, राज्य के जिस जिले में सबसे अधिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, राज्य के जिस जिले में सबसे अधिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो दोस्तों किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर, ठीक है, 1-2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न, इसमें देखो डाइस किन संस्थाओं द्वारा विकसित प्रणाली है। डाइस किन संस्थाओं द्वारा विकसित प्रणाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या 4 नंबर का ऑप्शन 1 व 2, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। डाइस किन संस्थाओं द्वारा विकसित प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 नंबर का ऑप्शन, 1 और 2 है, दोनों सही है इसमें, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा
3 के अनुसार सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से आशय है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से आशय है। तो इससे आशय क्या है? 4 ऑप्शन है, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 9 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 7 तक की शिक्षा। तो क्या होगा इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 8 में प्रावधान है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 8 में प्रावधान है। तो दोस्तों 8 में क्या प्रावधान है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, संरक्षण संबंधी, विद्यालय संबंधी, समुचित सरकार के दायित्व संबंधी, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, यदि किसी बच्चे को उसकी आयु के मुताबिक किसी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उसे अधिकार है, तो दोस्तों उसको अधिकार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 14 वर्ष तक शिक्षा पाने का अधिकार है उसके पास में। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, गार्गी पुरस्कार सीनियर कब से दिया जा रहा है? गार्गी पुरस्कार सीनियर कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है दोस्तों सन 1998 से दिया जा रहा है ये पुरस्कार। सबको पता होना चाहिए दोस्तों गार्गी पुरस्कार सन 1998 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, गार्गी पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? गार्गी पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये कब प्रदान किया जाता है? तो ये बसंत पंचमी को प्रदान किया जाता है। कब प्रदान किया जाता है? बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों सन 2009-10 में ये सर्वे किया गया था, ठीक है। इसका नाम दिया गया था चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इमिस के द्वारा ये किया गया था और माध्यमिक शिक्षा में किया गया था, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। देखो 14 नंबर प्रश्न है, EMIS प्रणाली उपयोगी है, इमिस प्रणाली उपयोगी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक निर्णय के लिए, शैक्षिक योजनाओं के लिए, शैक्षिक प्रबंधन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन तीनों के लिए इमिस प्रणाली उपयोगी है। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, EMIS का संबंध है, यानी कि EMIS यानी कि इमिस का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उच्च शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, एक नज़र में ही किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने हेतु सहायक है। एक नज़र में ही किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने हेतु सहायक है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भौगोलिक नक्शा, नजरी नक्शा, राजनीतिक नक्शा, ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजरी नक्शा। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने हेतु नजरी नक्शा है, ये दोस्तों बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, शाला मानचित्रण के नजरी नक्शे में एक्स चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये दोस्तों ये एक्स का निशान है, ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है प्राथमिक
विद्यालय को प्रदर्शित करता है, ये किसको प्रदर्शित करता है, प्राथमिक विद्यालय को। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो दोस्तों होता है जनप्रतिनिधि। कौन होता है, जनप्रतिनिधि। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है, तो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रधानाध्यापक। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक सदस्य होते हैं, विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक सदस्य होते हैं, तो ये किसके सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों किसके, साधारण सभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न, इसमें देखो साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत होता है, साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है, तो कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कितना, 25%। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है, तो ये दोस्तों कब पारित किया जाता है या किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो दोस्तों ये वार्षिक बजट है या ये वार्षिक बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्यकारिणी समिति द्वारा। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक ऑडिटिंग जाता है किया जाता है, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक ऑडिटिंग किया जाता है, तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, चार ऑप्शन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा, बीईओ द्वारा, ऑडिटर्स सहकारी समिति द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर्ड अकाउंट द्वारा। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए द्वारा ये वार्षिक ऑडिटिंग किया जाता है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किस कानून के तहत उच्च प्राथमिक स्कूल में फेल नहीं किया जा सकता है, किस कानून के तहत उच्च प्राथमिक स्कूल में फेल नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आरटीई। ठीक है, आरटीई इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आरटीई के तहत किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनको फेल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कक्षा 8 तक। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस प्रांत में लागू नहीं है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस प्रांत में लागू नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रांत में लागू नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में लागू नहीं है दोस्तों ये, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष यानी कि एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 25%। ठीक है, चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो
आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब से प्रभावी हुआ? आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों कब से प्रभावी हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में प्रभावी हुआ था। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान में कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? संविधान में कितने वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो वो है दोस्तों 14 वर्ष तक। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निःशुल्क एवं, ये दोस्तों 240 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 210 से आगे स्टार्ट किया गया था, तो ये 30 है तो 240 नंबर का प्रश्न है ये। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? ये दोस्तों भारत है। ठीक है, भारत है, ये दुनिया का कौन सा देश है? ऑप्शन है 134वां, 35वां, 36वां, 132वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत है, 135वां देश है। ठीक है, ये कौन सा देश है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला भारत है, जो दुनिया का सबसे, जो दुनिया का जो 135वां देश बना है। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने 210 से लेके और 240 तक अपने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला वीडियो आएगा वो दोस्तों 241 से लेके 270 तक, इसमें प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।